हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शिवानी एंड वेलकम बैक टू इजी कुकिंग। आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो ये ठंड के दिनों के लिए बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि कई बार होता है ठंड में हमारा मन नहीं करता शाम को उठने का, उठ के खाना बनाने का, बट कुछ अच्छा भी खाना होता है, तो इसलिए ये फटाफट बनने वाली भुर्जी है और टेस्टी भी है। नॉर्मल अंडे की भुर्जी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन इसे भी एक बार ट्राई करें, आई एम श्योर आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। यहाँ सबसे पहले मैंने ली है एक हरी मिर्च, इसके बाद मैंने लिए हैं दो टमाटर, ये देख सकते हैं आप मीडियम साइज़ के हैं, ऐसे मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं दो प्याज, और इसके बाद मैंने लिए हैं चार उबले हुए अंडे जिनको मैंने उबाल के छील के रख लिया हुआ है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको मैं चॉप कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अंडे भी काट लिए हैं, मिर्च प्याज और टमाटर सबको काट लिया है। इसके बाद एक और चीज़ की ज़रूरत है मुझे, जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट रख देती हूँ, आप चाहें तो आप अदरक और लहसुन को बारीक भी काट सकते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं, तो उसके लिए हम गैस में पैन रखेंगे, गैस ऑन कर देंगे और इसके बाद इसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। ये मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो सरसों तेल भी यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। तो अब तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें आधा चम्मच करीब जीरा ऐड कर दूँगी। इसके बाद जब हमारा जीरा थोड़ा सा पक जाएगा, क्रैक करने लगेगा, तो अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने प्याज काट के रखे थे। तो ये मैं जो प्याज काटे थे उसको मैंने मिला दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही मिक्स करके पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि प्याज अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, आप इसको बीच बीच में हिलाते रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्याज नीचे से जल जाए। तो अब इसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने अभी इसलिए डाला है ताकि वो भी प्याज के साथ साथ वो भी पक जाए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्च जो मैंने बारीक काट के रखी हुई थी। हरी मिर्च डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको करीब 2 मिनट तक हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इस चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में आप इसको हिलाते रहें, नहीं तो कई बार क्या होता है आप इसको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो जो नीचे के प्याज हैं वो जल जाते हैं या वो ज़्यादा रेड हो जाते हैं, तो इसलिए टाइम टाइम पे इसको ऐसे हिलाते रहें। इसको और 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। ये देखिए जो नीचे के प्याज हैं वो अच्छे से रेड हो गए हुए हैं, देखिए इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर दें। करीब 1 मिनट और हो चुका है इसको पकाते हुए, देखिए प्याज अच्छे से नीचे से रेड हो गए हुए हैं, ये देखिए। अब मैं इसमें जो मैंने टमाटर लिए थे वो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। टमाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि जो प्याज है और टमाटर है वो आपस में अच्छे से मिल जाएं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब इसके बाद मैं मिलाने वाली हूँ इसमें बाकी के मसाले। तो ये सबसे पहले मैंने नमक डाला है, नमक डालने के बाद ये मैंने 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है, इसके बाद मैंने 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाला है, ये है धनिया पाउडर, और इसके बाद मैं इसमें 1/2 चम्मच ही गरम मसाला मिलाऊंगी। तो ये 1/2 चम्मच गरम मसाला डालने के बाद थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, देखिए ताकि इसका कलर आ जाए। अब इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सबका टेस्ट एक दूसरे में आ जाए। इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करें और थोड़े से हम बीच में टमाटर भी इससे ऐसे मैश कर सकते हैं, ये देखिए टमाटर थोड़े से ऐसे मैश कर लेंगे और इसको थोड़ी देर और हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं उनका पूरा टेस्ट आ जाए। इसको ऐसे मिक्स करके अब थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ेंगे,
ये देखिए थोड़ी देर बाद ये इतना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब हमने जो उबले हुए अंडे लिए थे अब वो हम इसमें मिक्स करेंगे। तो अब अंडे डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने मसाले हैं उनका भी टेस्ट अंडों में अच्छे से आ जाए। देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे। अंडे वैसे उबले हुए हैं तो इनको ज़्यादा देर पकाना नहीं है, सिर्फ आप आधे मिनट ही रखिएगा, ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आधा मिनट हो गया, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक क्या आया। तो ये देखिए गर्मा गर्म भुर्जी बन के तैयार है। आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको रोटी के ही साथ खानी, आप इसको ब्रेड के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ खाइए, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।